चैनल, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई रेसिपी जिसका नाम है लच्छा पराठा। तो लच्छा पराठा आपने तो बहुत खाए भी होंगे और देखा भी होगा, आपको पता भी होगा, बट ये डिफरेंट काइंड ऑफ लच्छा पराठा है। जैसे रुमाली रोटी होती है उसी तरीके का ये पराठा बनता है, बट ऐसा है कि रुमाली रोटी जो होती है वो मैदे की बनती है। मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है और वो रुमाली रोटी जो है वो घर में बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बनाते हैं बट हर किसी को वो नहीं, मतलब हर किसी से वो नहीं बन पाती है। इसीलिए मैंने एक उसका एक ऑप्शन बनाया है जो कि बहुत ही अच्छा और इजीली बन जाएगा घर में। उस तरीके से मैंने ये लच्छा पराठा बनाया है। तो मैं किस तरीके से बना रही हूँ तो आपको उसके लिए मेरा ये सारा वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा और तभी आप अच्छी तरीके से ये पराठा बना पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की रेसिपी जो है लच्छा पराठे की। तो उसके लिए मैंने लिया है ये 3 बाउल आटा है और ये गेहूं का आटा है, इसमें कोई मिक्स नहीं है मैदा वगैरह और कोई अलग फ्लोर नहीं है ये। तो ये मैंने इसको गेहूं का आटा है और इसमें हम लोग एक चम्मच भर के मैं इसमें नमक डालूंगी अपने टेस्ट के हिसाब से। तो ये एक चम्मच सफिशियंट है और ये इसमें कोई लोग ऑयल भी मिलाते हैं, लेकिन मैंने इसमें ऑयल नहीं मिलाया है क्योंकि पराठा बनाते टाइम हमको ऑयल यूज़ करना है और ज़्यादा हमको कुछ ऑयली बनाना नहीं है। तो मैं इसमें अभी ये ठंडे पानी से इसे ये आटा बना लूँगी। तो आटा बनाने के लिए ऐसा कुछ मतलब कुछ अलग स्पेशल ट्रिक नहीं है, बट फिर भी आप अगर धीरे धीरे मैं किस तरीके से इसका आटा गूंद रही हूँ अगर आप देखेंगे तो आपका जो पराठा है वो बहुत ही अच्छा और लच्छेदार बनेगा। और इसकी जो फोल्डिंग है ये पराठे की वो भी थोड़ी डिफरेंट काइंड से मैंने खुद वो मतलब बनाया है, मेरा खुद का क्रिएशन बोल लो, हाँ क्रिएशन ही बोल सकते हैं आप, थोड़ा सा रुमाली रोटी जैसा है। तो वो मैं बनाऊंगी और आपको भी बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डाल रही हूँ, इसको ज़्यादा हमको पतला भी नहीं गूंदना है और ज़्यादा मतलब एकदम कड़क भी नहीं करना है इसे। तो धीरे धीरे हम इसमें पानी डालते जाएंगे। किसी किसी को ये आटे में ऑयल भी पसंद है, ऑयल भी डालते हैं बहुत लोग, तो मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला है क्योंकि बनाते टाइम इसमें काफ़ी सारा पराठा बोले तो ऑयल होता ही है। तो आप देखो मैं इसको किस तरीके से धीरे धीरे मैं ये बनाऊंगी और देखते जाइए आप। थोड़ा थोड़ा हमको पानी डालना है इसमें, एकदम से अगर आप पानी डालेंगे तो ये थोड़ा पतला भी हो सकता है। ये अभी ये आटा ऐसा इस तरीके से हो गया है, धीरे धीरे पानी मिलाते ये थोड़ा कड़क है ये आटा, तो मैं इसमें थोड़ा और पानी मिला के इसको हम लोग थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं। तो इसको अच्छे से मिला के थोड़ा सा प्लेन हो जाना चाहिए गूंदने के बाद, जैसे हम लोग नॉर्मल आटा गूंदते हैं सेम उसी तरीके से है ये। बट एकदम से पानी डाल के फिर एकदम से कम पानी फिर ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको ये स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बोला था। मतलब पराठा बहुत सॉफ्ट हो जाएगा आपका, देखिए। और इसको ना हम थोड़ी देर के लिए मतलब 10-15 मिनट के लिए हम लोग इसे रख देते हैं। मैं ऊपर से थोड़ा सा इसको पानी छिड़क देती हूँ और इसको ऐसा दबा के ऐसा रख दूंगी, और पानी भी छिड़का हुआ है और थोड़ा दबा के ऐसा रख दूंगी फॉर 10 और 15 मिनट्स। तो उसके बाद हम लोग पराठे की रेसिपी हम लोग देखते हैं। देखिए 15 मिनट हो चुके हैं हमारे आटे को, तो ये तो हो गया है, एकदम सॉफ्ट हो गया है।
से थोड़ा सा हम लोग ऑयल लगा के इसको और थोड़ा सॉफ्ट बना देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा हाथ को चिपक रहा है, और इसको एकदम ऐसा सॉफ्ट बना देंगे। अच्छा हो गया आटा, काफ़ी अच्छा हो गया। सॉफ्ट हो गया है, ऐसा हमको पराठे के लिए आटा सॉफ्ट सॉफ्ट चाहिए। ऐसा बना के ये रख देंगे। अभी इसकी थोड़ा सा ऑयल हाथ में लेके इसकी छोटी छोटी, देखो इतनी बड़ी, ये जो नॉर्मल रोटी की लोई है, हम लोग थोड़ा और लेते हैं, क्योंकि वो लच्छा अच्छे से आना चाहिए, इसलिए हम लोग इसे थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। देखिए ऐसा हाथ में ही इसे सॉफ्ट बना के, देखिए इतनी बड़ी, थोड़ी सी बड़ी चाहिए। और अभी किस टाइप से हम लोग पराठा बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। हमने इसे अभी हाई फ्लेम पे रखा है तवा, और इसको थोड़ा सा गर्म होने के बाद हम लोग लो इस पे कर देंगे। ये गर्म हो चुका है तवा, और मैं इसको एकदम कम इसमें करती हूँ, तब तक हम लोग हमारा पराठा बनाएंगे। तो देखिए मैंने ये पराठे के लिए जो लिया था इतना, अभी किस तरीके से इसे बेलते हैं और बनाते हैं मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा सा गोल, हल्का सा गोल बनाने के बाद इसे हमें थोड़ा ऑयल डालना है। इसे पूरी तरीके से, ये छोटी जो रोटी बनाई है हमने, इसे पूरा ऐसा लगा देना है, और उसके बाद में इसमें जो सूखा आटा होता है वो हम लोग ऐसा स्प्रिंकल करेंगे। इससे क्या होगा कि जो उसके जो अंदर के जो ये रहेंगे पराठे के लच्छे, वो बहुत अच्छे से निकलेंगे, इसलिए हम लोग ये जो सूखा आटा रहता है उसे स्प्रिंकल करते हैं। अभी और थोड़ा सा ऑयल में, ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा ऑयल मैं इसमें लगा दूंगी, और इसको ये पूरा पैक कर दूंगी, और अभी हम लोग पराठा बेलेंगे। देखिए अभी हल्का 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 हम लोग सारी जगह से इसे जो कॉर्नर कॉर्नर है वो पहले अच्छे से बेल लेते हैं, मतलब थोड़ा सा पराठा कहीं पे मोटा कहीं पे पतला नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम लोग ये कॉर्नर कॉर्नर से इसे अच्छे से बेल लेते हैं। देखिए पराठा, पराठे का शेप देखिए कितना अच्छा आ रहा है। और इसके लिए जो तवा होता है वो ठंडा तवा या फिर एकदम गर्म तवा नहीं चाहिए हमको, हमको मीडियम तवा चाहिए, मीडियम गर्म तवा चाहिए, इसीलिए मैंने थोड़ा सा हाई फ्लेम करके उसको एकदम कम करके रखा है, क्योंकि पराठा बेलने के लिए थोड़ा सा, फर्स्ट पराठा बेलने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा अच्छे से। फिर जैसे जैसे आपको पता चल गया कि इसका ये ऐसे ऐसे इस तरीके से बनाना है, तो गैस का कम ज़्यादा फ्लेम अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। देखिए पराठा बेल के हो गया है, अभी हम लोग थोड़ा सा एकदम थोड़ा हल्का ऑयल तवे पे डाल देंगे, और इसका जो फ्लेम है वो अभी लो से हम लोग मीडियम करेंगे, और पराठा मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। देखिए कितना सुंदर पराठा हो गया है, और अभी आपको ये पूरा देखना जरूरी इसीलिए है क्योंकि इसकी जो फोल्ड किस तरीके से मैं बनाती हूँ वो मैं आपको बताऊंगी। अभी आप फ्लेम इसको हाई भी कर सकते हैं, मैं हाई फ्लेम कर रही हूं। इसको टर्न कर देते हैं। अभी देखिए एक साइड से थोड़ा हो गया है, देखिए फूल रहा है पराठा हमारा, इसी तरीके से होगा ये। ये क्या है जो मैंने आपको टिप्स बताई है अंदर आटा स्प्रिंकल करने वाली,
तो वो काफी अच्छी तरीके से अंदर से भी वो पक जाता है क्योंकि अंदर ऑयल भी हमने लगाया है। अगर आप ऑयली अगर खाते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग इसे ऑयल भी लगा सकते हैं। मैं ज्यादा ऑयल नहीं लगा रही हूँ, घी भी लगा सकते हैं, ऑयल भी लगा सकते हैं। अभी हम लोग टर्न कर देते हैं इसको। देखिए थोड़ा थोड़ा मैं एक एक ड्रॉप करके ऐसा ऑयल डाल रही हूँ क्योंकि बहुत लोग अभी डाइट कॉन्शियस हो गए हैं, फिटनेस की थोड़ा सा अलर्ट हो गए हैं, इसलिए ऑयल ज्यादा पसंद नहीं करते। लेकिन जो ऑयल घी खाते हैं वो लोग बिल्कुल डाल सकते हैं, अच्छा लगेगा। देखिए ये अच्छे तरीके से मेरा पराठा हो गया है। अभी इसका फोल्ड बाकी है, मैं फोल्ड वो बहुत मतलब बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगेगा वो आपको खाने के लिए भी और देखने के लिए भी। इसको और देखिए ये अच्छे से हो गया है, ये पराठा सीख गया है। देखिए यहां से इसका मैं आपको बता देती हूँ, यहां से ये खुल गया है। वाह, जस्ट मिनट में आपको बताती हूँ। अभी इसका फोल्ड ये मैंने एक प्लेट में ले लिया है। इसको ऐसा करके इसकी जो स्टीम है वो सारी निकाल देंगे हम लोग, नहीं तो गर्म है। और ये थोड़ा संभाल के कीजिए, देखिए देखो टर्न हो गया है इसका। और एक जो ये है अंदर का एक जो लेयर है, देखिए कितना पतला है, देखिए कितना पतला है। इसी तरीके से मैं इसको भी निकाल दूंगी, ठीक है। ये सेकंड फोल्ड हो गया। इसके बाद मैं इसको उल्टा कर दूंगी सारा, उसके बाद ये ऐसी कर दूंगी, और ये दूसरा फोल्ड, और इसको ऐसा। देखिए ये मेरा पराठे का फोल्ड हो गया। अभी आप इसे किसी भी स्वीट डिश के साथ, खीर आमरस के साथ, या फिर कोई भी नॉनवेज रेसिपी के साथ, या फिर ग्रेवी वाले सब्जी के साथ आप इसे खा सकते। देखिए कितना सुंदर हो गया ये पराठा, ये फोल्ड, ये पराठा देखिए। देखिए सारे पराठे एक एक करके मैंने सारे पराठे बना दिए हैं, और इस तरीके से इसका मतलब फोल्ड है, मैंने फोल्ड भी बताया है आपको। और ये कोई भी ग्रेवी के साथ, दही के साथ, या फिर सेवई खीर के साथ आप ये पराठे खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगते हैं और हेल्दी पराठे हैं। आपने देखा ही होगा वीडियो में कि मैंने इसमें ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं किया है, ऊपर से भी नहीं और अंदर से भी मैंने ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं डाला है। और बहुत अच्छे पराठे हैं, आप ज़रूर ट्राई करिए घर में और एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे, मेरे वीडियोस आपको अगर अच्छे लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एंजॉय कीजिए मेरे साथ मेरी रेसिपीज स्मिताज इंडियन किचन में। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।